पर रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के मस्तक पर सूर्य किरण का तिलक होगा। सूर्य की किरण रामलला के ललाट पर पड़ेगी और इसका ट्रायल वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष के पास है। सूर्य की ये किरण वैज्ञानिक पद्धति के जरिए रामलला के ललाट तक पहुंचेगी। इसी पद्धति का ट्रायल किया गया है और ये वीडियो जो इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं ये उसी ट्रायल का एक हिस्सा है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रामनगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के अंदर की तस्वीरें, गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें। और ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके रामलला के मस्तक पर सूर्य किरण का तिलक किया जाएगा और इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि सूर्य की किरण के जरिए कैसे रामलला का तिलक किया जा रहा है। सूर्य की किरण रामलला के ललाट पर सीधे पड़ रही है। इसका ट्रायल वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भव्य राम मंदिर के गर्भगृह की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है और ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब ये ट्रायल किया जा रहा था। सूर्य की ये किरणें वैज्ञानिक पद्धति के जरिए रामलला के ललाट तक पहुंची और वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, अपने आप में ये तस्वीरें अद्भुत हैं। रामलला का सूर्य तिलक किया जा रहा है, ट्रायल में क्या क्या हो रहा है जरा बताएं तफसील से। देखिए ये जो है रामनवमी 17 तारीख को पड़ रहा है और उस दिन जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की उसको ये जिम्मेदारी दी गई राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि रामनवमी पर भगवान रामलला जो है जो गर्भगृह में विराजमान है उनके माथे पर जो सूर्य का तिलक होगा जो पहले डिजाइन किया गया था मंदिर उसी समय ये बात कही गई थी। चंपत राय ने इसके बारे में विस्तार से बताया था कि रामनवमी पर ये किया जाएगा सूर्य तिलक, चूँकि सूर्यवंशी हैं भगवान राम उनका किया जाएगा। तो उसका ट्रायल आज हुआ है। तीसरी मंजिल पर जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है उसके साइंटिस्ट की एक टीम पिछले कई दिनों से इस काम में लगी हुई है। तीसरी मंजिल पर एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें गियर बॉक्स है, रिफ्लेक्टिव मिरर है और लेंस है। इन तीनों की मदद से जो तीसरी मंजिल पर सूर्य की किरण पड़ेगी उसको गर्भगृह तक लाया जाएगा और फिर गर्भगृह में मिरर के थ्रू जो आप अगर मंदिर में जो लोग गए हैं वो इस बात को ज़्यादा समझ सकते हैं या फिर जो टीवी स्क्रीन पर भगवान रामलला को देख रहे हैं कि मंदिर के गर्भगृह में बहुत अंदर तक जाने पर भगवान रामलला के दर्शन होते हैं। बिल्कुल। फिर वहाँ पर मिरर को सामने करके और फिर उस तरीके से जो तीसरी मंजिल से सूर्य की किरण आएगी उससे रामलला के मस्तक पर उनके माथे पर दोपहर 12 बजे से लेकर 12:04 तक ये सूर्य तिलक का एक समय का एक मुहूर्त निकाला गया है रामनवमी के दिन। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, ये तस्वीरें बड़ी अद्भुत हैं, बहुत शानदार तस्वीरें हैं। भव्य रामलला के मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है और इसका ट्रायल हुआ और इस वक्त वो अद्भुत तस्वीरें हम टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। आपका अपना अनुभव कैसा रहा? जी हाँ, जो आप सुने हैं जो बोल रहे हैं सही वही है कि भगवान रामलला के ठीक मस्तक पर सूर्य किरण का दिखाई देगा और चूंकि 12 बजे भगवान राम का अवतार होगा इसीलिए रामनवमी के दिन 17 तारीख को यह दृश्य अद्भुत दृश्य दिखाई देगा जो बहुत ही चमत्कार है और इस प्रकार के दृश्य बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो यह दृश्य जो है जो भगवान राम के क्योंकि सूर्यवंशी हैं जो भगवान सूर्य का जो उनके लार पर उदय होता हुआ दिखाई देगा यही यह दृश्य देखने लायक।